दोस्तों हम यहाँ पे WhatsApp के 5 लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी क्योंकि आप एक WhatsApp यूजर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि WhatsApp पर अब आए दिन कौन कौन सी न्यू अपडेट ऐड हो रही है, तभी तो आप दूसरे के साथ थोड़ा सा इनहेंस अपने WhatsApp को बना सकते हो। तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज आगे भी इस तरीके टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लेटेस्ट न्यू अपडेट सीखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो विदाउट एनी डिले। फर्स्ट अपडेट की बात करें तो ये अपडेट अभी अपकमिंग है बट आने वाले एक से दो दिन में सबको मिल जाएगा, फिलहाल अभी मुझे भी नहीं मिला है। लेकिन इस अपडेट में ये होगा कि अक्सर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आए दिन हमारे फ्रेंड, हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव मतलब एक अलग सा न्यूज़ उसमें लिंक रहता है, वो सेंड करते हैं बार बार एक दूसरे को, और हम उस लिंक पर क्लिक करने से पहले डरते हैं कि ये लिंक सेफ़ है हमारे डिवाइस के लिए या सेफ नहीं है। और ये चीज़ सोचना चाहिए सभी को क्योंकि अगर आप बाय द वे किसी फालतू के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके साथ फ्रॉड यानी स्कैम भी हो सकता है क्योंकि आपका डिवाइस कोई और एक्सेस कर सकता है। तो फालतू का कभी भी किसी लिंक पर क्लिक ना करें। तो व्हाट्सएप ने इस प्राइवेसी को देखते हुए इस अपडेट को लाया है कि कभी भी फालतू का आपको बार बार मैसेज लिंक आ रही है तो आप उस लिंक पर अच्छे से फोकस करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा सर्च ऑन का, इस पर टैप करके आप उस लिंक के बारे में समझ सकते हो, उस न्यूज़ के बारे में समझ सकते हो कि जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, तभी आप उस लिंक पर क्लिक करो, अदरवाइज आप उस लिंक को वहीं से डिलीट कर दो। तो ये अपडेट खासकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा जो व्हाट्सएप है, हमारा जो डिवाइस है, वो कई हद तक आने वाले टाइम में सिक्योर हो जाएगा। सेकेंड अपडेट की बात करें तो फ्रेंड्स ये अपडेट फाइनली मुझे मिल चुका है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे मान चलो हम किसी से चैटिंग कर रहे हैं, उसी टाइम कुछ किसी अदर चैट से मैसेज आ गया तो हम अचानक से उस मैसेज को ओपन करते हैं, नहीं उस चैट को ओपन करते हैं और उस मैसेज को हम रीड कर लेते हैं और उसका हम टैपिंग करके और हम सेंड करना भूल जाते हैं और बैक कर लेते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है मैंने किस चैट को मैसेज को रिप्लाई दिया है या नहीं। बट अब इस अपडेट में ये होगा कि अगर आप उस टाइम से मैसेज टैप करके सेंड करना भूल चुके हो तो आपको वहाँ पर एक ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो भी ग्रीन हाईलाइट करेगा ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें अभी इस मैसेज को रिप्लाई नहीं दिए हैं, तो आप उस तरीके से भूले हुए मैसेज को अगेन जाके रीड करके उसको सेंड कर सकते हो। तो ये भी अपडेट काफ़ी अच्छा है जो लोग ज़्यादा थोड़ा सा बिजी रहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट की बात करें जो कि मुझे काफ़ी दिनों से इंतजार है, आने वाले दो दिन में मिल जाएगा, अभी फिलहाल अपकमिंग है। अब क्या होगा कि हम व्हाट्सएप चैट के अंदर सिर्फ डार्क और लाइट दो ही ऑप्शन को यूज़ कर रहे थे अपने चैट को इन्हेंस करने के लिए, बट अब क्या होगा जैसे हम टेलीग्राम के अंदर मल्टीपल चैट बैकग्राउंड को यूज़ करते हैं उस तरीके से आपको व्हाट्सएप के अंदर ही फीचर्स मिलने वाला है। आप वहाँ पर सारे चैट का बैकग्राउंड अलग अलग कर सकते हो एंड यहाँ तक अपने मैसेज का कलर को भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये अपडेट काफ़ी अच्छा है और ये अपडेट आपको मिला या नहीं मिला कमेंट सेशन में कमेंट करके हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। इस अपडेट की बात करें तो ये भी अपडेट काफ़ी यूजर्स को मिल चुका है और काफ़ी लोग इसको अभी तक इंतजार कर रहे हैं। अब हमें व्हाट्सएप पर स्टेटस शेयर करते थे तो उस स्टेटस को काफ़ी लोग सिन करके वहाँ पे हार्ट वाला आइकन पर क्लिक करके रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन अब आने वाले अपडेट में ये भी मिलेगा ऑप्शन कि हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस को जब भी शेयर करें तो हम वहाँ पे किसी को मेंशन करके पर्टिकुलर प्राइवेटली शेयर कर सकते हैं। जिसको हम मेंशन करेंगे सिर्फ वही व्यक्ति हमारा व्हाट्सएप स्टेटस को सिन करेगा एंड अगर वो चाहेगा उसको रीशेयर करना तो वहाँ से वो रीशेयर भी कर सकते हैं। तो यानी जो ये है ना मेंशन का फीचर्स व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर, ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर सबको ये भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अपडेट की बात करें तो फ्रेंड्स अक्सर आपने नोटिस किया होगा हमारे व्हाट्सएप चैट के अंदर फालतू के मैसेज बहुत आते हैं, जैसे एक मैसेज, दो मैसेज, वही मैसेज को बार बार रिपीट किया जाता है, तो आप इन मैसेज को बच सकते हो, इस मैसेज को आने से रोक सकते हो अपने व्हाट्सएप के अंदर, क्योंकि एक तरफ से स्कैम मैसेज है, तभी तो बार बार रिपीट हो रहा है सेम मैसेज, तो इसको आप रोकना ईजी है, सिंपल कुछ नहीं करना, अपने व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन अपडेट कीजिए, व्हाट्सएप के सेटिंग में जाइए, प्राइवेसी पर टैप करें, एडवांस में क्लिक करें, ऊपर में आपको मिलेगा ऑप्शन लॉक और नॉन अकाउंट मैसेज, जस्ट उसको इनेबल कर लो, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होगी तो आपको उसको मैनुअली ऑन कर रहे हैं, उसके बाद आने वाले सभी स्कैम मैसेज बंद हो जाएंगे। तो आई होप कि सारे अपडेट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई क्वेश्चंस कन्फ्यूजन्स रह गई हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।